अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि वीडियो के टाइटल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वीडियो को किस चीज़ के हवाले से है, और इस वीडियो कोर्स को बनाने का जो असल मकसद है वो है बहुत से न्यू यूज़र जो क्रिप्टो करेंसी की साइट पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो उनमें से जो अक्सरियत है वो टारगेट हो रहे हैं जो फेक लोग हैं उनका। मीन्स के मुख्तलिफ किस्म की एकेडमीज़ है, मुख्तलिफ किस्म के प्राइवेट ट्यूटर्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि लोगों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं या उनके सामने क्रिप्टो करेंसी को इस तरह से बयान करते हैं कि वो जो सुनने वाला यूज़र होता है, जो नया बंदा होता है जिसको सिर्फ यही पता है कि क्रिप्टो करेंसी में बस इन्वेस्ट करो और आप हवा में उड़ जाओगे, आपके बंगले आ जाएंगे और आप मालदार हो जाओगे। हालांकि ये सरासर गलत है। तो असल में क्रिप्टो करेंसी जो आपकी डिजिटल करेंसी है, और उसमें जो टॉप में हमारे पास जो बहुत ही फेमस है वो है बिटकॉइन, जिसको किंग ऑफ द क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, फादर ऑफ द क्रिप्टो करेंसी भी आप इसको कह सकते हैं। मीन्स जितनी भी आपकी क्रिप्टो की मार्केट है, अगर BTC की प्राइस अप है तो क्रिप्टो की मार्केट आपकी सारी अप जा रही होगी। जो भी लेजिट कॉइन है, जो भी रियल कॉइन्स हैं, उनकी प्राइस अप होगी। और अगर क्रिप्टो करेंसी में BTC की प्राइस लो है या उसकी मार्केट क्रैश कर रही है या मार्केट डाउन आ रही है, तो इससे क्या होगा कि आपके जो जितने भी बाकी क्रिप्टो करेंसीज हैं, बाकी जितने भी कॉइन्स हैं, जिस तरह हमारे पास सेकेंड मोस्ट फेमस इथेरियम है जिसको ETH कहा जाता है, उसके बाद आपके पास आ जाए XRP है, TRX है, डॉज कॉइन है और मुख्तलिफ किस्म के कॉइन्स हैं, तो वो सारे आपको रेड में नज़र आएंगी, यानी उनकी मार्केट लो में होगी क्योंकि BTC सारे की सारे क्रिप्टो करेंसी की मार्केट को डाउन करता है। अब क्रिप्टो करेंसी के इस शॉर्ट से इंट्रोडक्शन के बाद आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी से अर्न करने के दो तरीके हैं। एक तो वही तरीका है जिससे लोग न्यू यूज़र को लूटते हैं, बल्कि अक्सर औकात जो ओल्ड यूज़र है, जो खुद को एक्सपीरियंस कहते हैं, वो भी उनके हाथों तो लूट जाते हैं। वो है पेड तरीका इन्वेस्टमेंट का। और हमारे जो एशियंस कंट्रीज़ हैं, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और आपका आ जाए इसमें नेपाल, मतलब ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें अक्सरियत लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और अगर कोई यूज़र इन्वेस्टमेंट करना भी चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा $50, $100, और उसको फिर वो जो सिखाने वाला बंदा होता है वो रिकमेंड करता है फ़लां कॉइन ले लो, यानी लो प्राइस कॉइन रिकमेंड करता है, और अगर आपका नसीब अच्छा होगा तो वो कॉइन अप जाएगा। और अगर आपने गलती से कोई फेक कॉइन के चक्करों में आ गए हैं जिसकी टेम्पररी मार्केट अप में जा रही थी और कुछ अरसे के बाद वो डाउन हो जाएगी, और वो इतनी डाउन हो जाती है कि जिन एक्सचेंज के ऊपर वो लिस्टेड होते हैं वो उनको डिलीट कर देते हैं। मीन कि आपकी इन्वेस्टमेंट, एक तो होता है कि आपने लास्ट पे एक चीज़ सेल कर दी है, तो लास्ट में सेल करने से आपको कम से कम कुछ चीज़ तो रिटर्न हो रही है, कुछ इन्वेस्टमेंट तो वापस आई है, यानी $50 की इन्वेस्टमेंट आपने की थी तो आपको $30 तो कम से कम वापस मिल गया अगर 20 आपने ज़ाया कर दिया। लेकिन अगर एक चीज़ डिलीट हो गई एक्सचेंज के ऊपर से, तो इसका आपको नुकसान क्या होगा कि आपकी 50 की $50 जो आपने इन्वेस्ट किए थे वो सारे के सारे ज़ाया। तो मैं आपको दूसरे तरीके से क्रिप्टो करेंसी सिखाऊंगा, मतलब वो जो सेकंड वे होता है वो होता है फ्री का। तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि फ्री मतलब कुछ भी नहीं होता, इन्वेस्टमेंट इसमें करनी होती है, तो नहीं भाई, फ्री है। और ये कोई फैकेट्स वेबसाइट नहीं है,
यानी जहाँ से आप क्लिक करते जाओ या कोई सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लो मोबाइल के अंदर ऐप, और उसके ऊपर बस आप क्लिकिंग करते जाओ और आपको कुछ सतोशी मिलते जाएंगे या कोई क्वाइंस की कुछ जनरेट होता रहेगा, जिसको हम माइनिंग कहते हैं, क्रिप्टो माइनिंग। तो इस किस्म का कोई प्रोसेस नहीं है, कोई आपने सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। बस अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ आता है सोशल मीडिया से, जो कि नॉर्मली हर किसी को आजकल आता है, फेसबुक हम चला सकते हैं, ट्विटर का हमको पता है, इसके अलावा दो तीन और प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, तो वो मैं साथ साथ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को जीरो से एंड तक देखें लाजमी, और इसी एक वीडियो में इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगा, जहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, जहाँ पे हमने जाके एंड करना है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो आप लोगों को आगे इंशाल्लाह सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो उम्मीद है इंट्रोडक्शन तो आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी कि क्रिप्टो करेंसी हमारे पास जो डिजिटल करेंसी है, और उसमें BTC जो इनका मेन क्रिप्टो कॉइन कंसीडर किया जाता है, जिस जो पूरी की पूरी मार्केट को एक किस्म का अप एंड डाउन करता है। बाकी अगर आप मज़ीद इसके बारे में थ्योरेटिकल जानना चाहते हैं, तो आप इसको गूगल कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को। उसके पास हमारे पास आते हैं क्रिप्टो वॉलेट्स। अच्छा, अब जिस तरह हम अपने पैसों को अपने वॉलेट्स में रखते हैं, अपने बटवे के अंदर रखते हैं, इस तरह हमारे पास जो क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं, उनको हम उनके वॉलेट्स में रखते हैं। ठीक, अब क्रिप्टो कॉइन्स के जो हमारे पास वॉलेट्स होते हैं, वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। मैं आपको पेड वॉलेट्स की साइड पे नहीं लेके जाता, ना आप लोगों को मैं कन्फ्यूज़ करूँगा इस चीज़ के ऊपर कि पेड वॉलेट कौन से हैं, ये सिक्योर है ये नहीं है। मेरी जो रिकमेंडेशन होगी, अगर आपका दिल करे उसको लेके चलने में, तो बेशक आप उसको लेके जा सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप अपनी R&D कर ले, इसमें रिसर्च कर ले थोड़ी सी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन सा वॉलेट ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, क्रिप्टो एक्सचेंज क्या होते हैं? क्रिप्टो को तो आपको पता है, इसका मतलब है क्रिप्टो करेंसी, और एक्सचेंज हमारे पास मनी एक्सचेंजर, जिस तरह आपने एक टर्म सुनी होगी, आपने किसी को पैसे दिए हैं, उसने आपको कन्वर्ट करके दिए हैं किस चीज़ में, मतलब आपने लेट्स सपोज पाकिस्तानी रुपीस के बदले USD लेनी है, तो आप जाएंगे अपने बैंक के पास, या कोई लोकल एक्सचेंजर होगा तो आप क्या करेगा, आपको USD दे देगा, PKR ले लेगा, या इंडियन रुपीस देनी है तो वो ले लेगा। बाकी इसके बाद आपने कोई और करेंसी उसको देनी है, ऑस्ट्रेलियन AUSD देनी है, तो वो आपको उसी के मुताबिक PKR में कन्वर्ट कर देगा। एक तो ये एक्सचेंज यूज़ होता है कन्वर्जन के लिए। ठीक, दूसरा एक्सचेंज आपको वॉलेट्स देता है, हर क्रिप्टो जो उसके ऊपर लिस्ट होगी उसका वॉलेट्स देता है। अब चले इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे binance.com, BINANCE। ठीक है, मेरी स्क्रीन पे शायद आपको उसका एड्रेस शो ना हो रहा हो, लेकिन वेबसाइट आपके सामने अभी ओपन हो जाएगी। ये हमारे पास एक्सचेंज है जो कि करंटली टॉप पे है, और इनके वॉलेट लेजिट वॉलेट हैं। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बाइनांस वॉलेट यूज़ करें। नॉर्मली अगर आपने किसी ट्रस्टेड बंदे से डील करनी हो, तो आपने बाइनांस वॉलेट ज़रूर यूज़ करना है। ठीक है, इसके अंदर आप अकाउंट बना सकते हैं, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाइनांस का दे दूंगा, तो आपने वहाँ से उस लिंक पे क्लिक करने हैं, वहाँ से जाते हैं, खुद ही ओपन करते हैं गूगल में, जिस तरह आपको मुनासिब लगे। अब ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये इसका ये फ्रंट एंड इंटरफेस है। ठीक है, इसको हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं। यहाँ से आपको ट्रेड्स नज़र आ रही होंगी, ये आपकी करेंसी है जो आपने सेलेक्ट की है, जिस तरह मैंने BTC का कहा था, अब USDT में वो यहाँ पे आपको शो हो रही है उसकी प्राइस 19,137.91, और अप और डाउन हो रही है, ये इसकी प्राइस है। अब बाइनांस एक्सचेंज में आप जब अकाउंट बना लें, ठीक है, तो उसके बाद आपने इसको लॉगिन करना है, मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। असल में मकसद आपको वॉलेट शो करना है, तो मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। मेरे इसके ऊपर एक्स्ट्रा लेयर की सिक्योरिटी लगी हुई है,
जब आप अकाउंट क्रिएट कर लें बाइनांस के अंदर, तो आपने लाजमी 2FA या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन आपने ऑन करनी है। और अगर आप में से किसी यूज़र को समझ नहीं आती कि बाइनांस में अकाउंट किस तरह बनाने हैं या किसी भी एक्सचेंज में, तो आप काइंडली कमेंट्स कर दे। अगर मुझे ज़्यादा रिस्पांस मिला कमेंट्स में, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़र को कन्फ्यूज़न हुई, तो मैं वो उसके ऊपर अलग से वीडियो बना लूँगा एक। लेकिन उम्मीद है आप सब लोगों को आसानी से ये चीज़ समझ आ जाएगी। और इसकी वेरिफिकेशन वगैरह अगर कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लॉगिन हो जाए तो यहाँ पे आपके पास लॉगिन होने के बाद वॉलेट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपने आना है फिएट एंड स्पॉट, देखिए डिपॉजिट एंड विड्रॉ, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये आपके पास यहाँ पे सारे के सारे वॉलेट्स आ जाएंगे। ये हमारे पास आ गए हैं वॉलेट। ठीक है, ये मेरे वॉलेट में जो मेरे कॉइन्स थे उनकी वर्थ शो हो रही है कि टोटल कितने वर्थ के अभी मेरे पास हैं ये। और ये अप और डाउन होते रहते हैं क्योंकि मेरे पास जो कॉइन्स थे, अब जिस तरह BTC नीचे आया है तो सारे के सारे कॉइन्स उससे इफेक्ट हुए हैं और वो सारा लॉस में चल रहा है। तो BTC के हवाले से आपने कभी भी जहन में ये नहीं डालना कि इसके अंदर आप खुद से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लाखों कमा लेंगे, ये बिल्कुल हो जाते हैं। अच्छा, अब लेट सपोज ये हमारे पास BUSD, ये इसी बाइनांस का एक कॉइन है। हर एक्सचेंज ने ऑलमोस्ट जो टॉप के एक्सचेंज है उन्होंने अपने कॉइन इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। अब लेट सपोज मैंने किसी से BUSD लेने हैं, ठीक, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास वॉलेट है तो मैंने डिपॉजिट पे क्लिक करना है, तो ये मुझे एक एड्रेस दे देगा। ठीक है, कॉइन मैंने सेलेक्ट किया तो BUSD, नेटवर्क मैंने यहाँ से BSE करना है, इसका सबसे कम टैक्स चार्ज होता है, जो आगे से आपको सेंड करेगा वो इसका बहुत कम चार्ज होता है। ठीक है, और इसकी मिनिमम डिपॉजिट देखिए, मतलब इसमें आप बहुत मिनिमम भी चीज़ डिपॉजिट कर सकते हैं, ये आपने कॉपी कर लेना है। और जो आगे से सेंडर होगा उसको आपने सेंड कर देना है और वो फिर इसी एड्रेस को इंटर करके आपको BUSD सेंड कर देगा। ये हो गया हमारा एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन एक्सचेंज के ऊपर। इसकी मैंने आपको एग्जांपल दे दी, अपने इसमें वॉलेट्स की आपके पास एग्जांपल आ गई, एक्सचेंज की भी इसके साथ आपके पास एग्जांपल आ गई। और इसके बाद आप आ जाए ये माई इथर वॉलेट। ठीक है, एक आपने वॉलेट यहाँ अपना अकाउंट यहाँ पे बना लेना है जो मेरी रिकमेंडेशन है। एक वॉलेट आपने यहाँ पे बना लेना है, ये इथीरियम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एक दो चीज़ें हो गई और तीसरा आपके पास होता है ये आपने लाजमी बनाना है ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट और ये बाइनांस, ये आपने लाजमी बनाना है, ये आपको बहुत आगे काम आएगा। जो मैं आगे जिस चीज़ के ऊपर मेरा एक कोर्स है फ्री अर्निंग से रिलेटेड क्रिप्टो के ऊपर, तो आपको ये और ये दो तो लाजमी ही आपको ज़रूरत पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ से आपने ये ऐप के ऊपर काम करता है। आपने इसकी ऐप प्ले स्टोर है, ठीक, आपने ऐप स्टोर जो भी आपके पास मोबाइल है, या तो एंड्रॉयड होगा या तो फिर एप्पल होगा, तो उसके मुताबिक आप डाउनलोड कर ले, इसको इंस्टॉल कर ले और सेम उसी तरह एक अकाउंट आपका बन जाएगा जो आपको एक एड्रेस दे देगा। और आपने उसको ऐसा मल्टी कॉइन एड्रेस लेना है या मल्टी वॉलेट एड्रेस, मतलब उसमें आप इथेरियम भी रिसीव कर सकेंगे, उसमें आप BUSD USD जितने भी कॉइन्स होंगे ना बाकी, वो आप सब इसके अंदर रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रस्ट वॉलेट आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। अब आ जाए वॉलेट्स और एक्सचेंज के बाद हमारे पास और चीज़ आती है ये। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट, मेटा मास्क वॉलेट, ठीक है, एक और वॉलेट होता है। अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है या ये मेरे ये फॉक्स का आइकन है, ठीक है, इसको मेटा मास्क कहते हैं। मेटा मास्क पे आप जाएं, ये मेटामास्क पे आप आ जाते हैं। इसकी ब्राउज़र एक्सटेंशन होती है
क्रोम में इसकी आप ब्राउज़र एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें, ठीक है, ये डाउनलोड ये आपके क्रोम के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। और आपने इसके अंदर वॉलेट बना लेना है। वॉलेट के बाद ये सेम आपको इसी तरह एड्रेस दे देगा जिस तरह ट्रस्ट वॉलेट का होता है, और आप इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कॉइन रिसीव कर सकते हैं। अब आ जाए हमारे पास, आगे हमारा टॉपिक आता है, अच्छा, फ्री अर्निंग, ठीक है, नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अब असल चीज़ अब आ रही है, वो बेसिक इंट्रोडक्शन था क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, उसके एक्सचेंज से रिलेटेड, वॉलेट से रिलेटेड। वो वॉलेट्स आपको लाजमी यहाँ पे इस्तेमाल आपके होंगे, ज़रूरत होंगी, उसके बगैर आप कोई भी चीज़ आपको रिसीव नहीं हो सकेगी, मतलब ऐसे समझिए आपकी मेहनत ज़ाया है एक किस्म की। क्योंकि जब आपके पास एक वॉलेट है ही नहीं अपने कॉइन्स को रिसीव करने का, तो आप उसको फर्दर यूज़ नहीं कर सकते। अब हमारे पास प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के। अब उन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कैसे करना है, असल में लेट सपोज, अब अगर आपको बाइनास का पता चल गया कि बाइनास एक वेबसाइट एक्सचेंज है, और अगर आपको नहीं पता कि उसमें साइन अप कैसे करना है, उसकी फर्दर वेरिफिकेशन कैसे करनी है, और उसके अंदर वॉलेट्स कैसे, मतलब उसको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि वॉलेट्स तो आपको ऑलरेडी क्रिएटेड मिल जाते हैं, उसमें सेंडिंग एंड रिसीविंग कैसे करनी है, उसमें आगे जाके आपके लोकल बैंक में अपने पैसे को विड्रॉ कैसे करना है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता, तो अगर सिर्फ वेबसाइट का पता चल जाए तो इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के फॉरम्स होते हैं, जो फॉरम मैं आपके साथ शेयर करूंगा उनके मैं लिंक इंशाल्लाह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से साइन अप कर सकते हैं। आपने उनमें साइन अप करना है, सबसे पहले हमारे पास आता है altcoinstalk.com, ठीक है, ये हमारे पास एक फॉरम है और मैंने खुद इसको ज्वाइन किया हुआ है। मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जहाँ से मैंने खुद अर्निंग की है, मतलब है कि ये एक लेजिट प्रोसेस है, ये इसमें कोई फेक नहीं है, कोई ये नहीं है कि ये हो जाएगा आपने इन्वेस्टमेंट कर ली और ज़ाया हो गई, नहीं, इस तरह का कोई हिसाब नहीं है, सब की सब चीज़ ओरिजिनल है। अब आ जाए यहाँ पे, ये आपने फॉर्म ले लिया, ठीक, आपने साइन अप कर लेना है। सबसे पहले मेरा ऑलरेडी लॉगिन हुआ पड़ा है। साइन अप करने के बाद आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आ जाए, ये डिस्कशन, ये एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, न्यूज़ रिलेटेड क्रिप्टोज, पंप एंड डंप। तो यहाँ पे मुख्तलिफ, लेट सपोज ये बिगिनर्स का मैं खोल लेता हूँ, यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों ने क्वेश्चन किए होते हैं, किसी ने उसके आंसर्स दिए होते हैं, और उन क्वेश्चंस और आंसर का फ़ायदा क्या होता है। अब ये लेट सपोज हाउ टू ग्रो रैंक, गेट कॉन्टेंट का डेट, गेट कंटेंट विदाउट पेनल्टीज, ठीक, और आर कॉन्ट, ये सारी चीज़ आपके पास, जिसे हम थ्रेड्स कहते हैं, नॉर्मल पोस्ट आप इसको कंसीडर कर ले, एक ब्लॉग के अंदर पोस्ट होते हैं, ये आपके पास पोस्ट हैं। आप आ जाए यहाँ पे, एक के ऊपर मैं क्लिक करके आपको शो कर देता हूँ, ये देखें इसका मैथिकल लेवल है, ये यूज़र का लेवल है, यूज़र नेम, यूज़र का लेवल, उसके बैजेस। अब इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक, उसने ये रिप्लाई किया हुआ है और ये उस यूज़र का सवाल है, ठीक, ये दूसरे यूज़र का सवाल है। अब पहली बात है, अगर आप बिल्कुल नोवाइस है, आपको पता नहीं है क्रिप्टो ट्रेडिंग, तो यहाँ से आप जनरल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आप गूगल पे सर्च करके पहले थोड़ा नॉलेज ले लें, ताकि आपको पोस्टिंग में या आंसर देने में आसानी हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का और आंसर का फ़ायदा क्या है, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं या आंसर देते हैं और आपकी पोस्ट इंक्रीज होती है, ठीक है, उसके साथ क्या होगा, आपका यूज़र स्टेटस, ये हमारा जो स्टेटस होता है, ये इंक्रीज होता जाएगा। फिर क्या होगा, अगर आपके क्वेश्चन या आंसर दूसरों के लिए हेल्पफुल है, मतलब आपने कुछ ऐसा कंटेंट डाला है जो बाकी यूज़र्स के लिए बहुत हेल्पफुल था, तो वो जिस तरह हमारे पास अब होता है लाइक या अपवोट मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में, तो वो क्या करेंगे, आपको ये आपका कर्मा है, यहाँ पे आपको प्लस का निशान दे देंगे, ठीक, कर्मा
कर्मा के ऊपर जैसे ही प्लस का निशान आएगा तो आपके ये कर्मा इंक्रीज होंगे, ये प्लस और माइनस। अगर मैं क्लिक करूंगा तो इसका ये माइनस होता जाएगा, और अगर मैं प्लस करूंगा तो प्लस। अब इस तरह नहीं हो सकता कि आपके एक दूसरे यूज़र के साथ ज़िद है, या उसने आपको कोई मतलब उसके साथ आपको कोई इशू है तो आप उसके अकाउंट में जाके प्लस 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 करते रहें या माइनस 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 करते रहें, तो ये आपके अपने अकाउंट को बैन करवा देगा, क्योंकि वो एडमिन को मेल करेगा या मैसेज करेगा, वो पीछे से रिकॉर्ड चेक करेगा, तो ये आपका अपना अकाउंट इससे बैन होगा। या आप फेक पंपिंग करते हैं, दूसरे अकाउंट्स क्रिएट करके प्लस प्लस कर्मा देते हैं, इससे भी आपका अकाउंट और जो आप फेक जिसका पंप कर रहे हैं उसका भी बैन होने का चांस है। तो इस किस्म की कोई हरकत आपने नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से आप पोस्ट करते रहें, दिन में 20 करते हैं, 25 करते हैं, 30 करते हैं, 40 पोस्ट करें, 50 पोस्ट करें, हर चंद पोस्ट के बाद आपका ये चेंज होता रहेगा। इनिशियली 100 पोस्ट भी हो सकते हैं, 300 पोस्ट भी हो सकते हैं, आपका चेंज होता रहेगा स्टार्ट से आगे जाते वक्त। अब इसमें आ जाए, मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मेरा यूज़र नेम है MSZ900, मैंने टोटल पोस्ट कितने किए हैं 1017। ठीक, मेरा स्टेटस है हीरो मेंबर, हीरो मेंबर टॉप का स्टेटस होता है। इसके बाद जो अभी मैंने आपको दिखाया मैथिकल, इसके वो है और फर्स्ट से दूसरे नंबर पे। ठीक, अब ये हीरो मेंबर जब आप टॉप पे चले जाते हैं, ये बहुत ही अच्छा लेवल है एक किस्म का यूज़र का। आप जब चले जाते हैं हीरो मेंबर के ऊपर, वहाँ से फिर क्या होता है, आप जब पोस्टिंग करते हैं, अब 1017 पोस्ट मेरे हो गए हैं, ये एक इनका अपना एक क्राइटेरिया होता है आपके इस यूज़र लेवल को बढ़ाने का। अब ये पोस्ट जब उस लेवल को टच करेंगे उनके रूल्स के मुताबिक, तो ये मेरा हो जाएगा लेजेंड। उसके बाद मैथिकल आता है, जो आपको मैंने अभी एक यूज़र की आपको एग्जाम्पल दी है। उसके बाद आता है पादवान, ठीक है, वो बिल्कुल एक तलवार किस्म की बनी होती है, तो वो आ जाता है। ये मेरे कर्मा पॉइंट्स है, ये मेरे टोटल पॉइंट्स है। ठीक, टोटल जो हम पोस्ट करते रहते हैं उससे हमें कुछ पॉइंट्स मिलते रहते हैं। ये मेरे कर्मा है, मतलब जिन लोगों को मेरी पोस्ट अच्छी लगी है तो उन्होंने प्लस मुझे दिया हुआ है। अच्छा, ये वेरिफिकेशन है। लेट सपोज फॉरम में आए, फॉरम के एडमिन को या वहाँ के मॉडरेटर को शक होता है कि इस बंदे ने फेक अकाउंट किया है या इसका कोई इशू है, तो वो आपसे आपको कहता है अपना जो भी आपका गवर्नमेंट CNAC है या डॉक्यूमेंट्स कुछ हमें सेंड करो, ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि आप लेजिट यूज़र हो, ओरिजिनल हो, फेक नहीं हो, रोबोट नहीं हो, इस तरह। तो ये मेरा KYC वेरीफाइड हुआ पड़ा है, और ये इस किस्म का ये प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू हो गया आपके पास। अब आ जाए मेन चीज़ के ऊपर। जिस तरह होम पे आने से आपको ये आपके पास आ जाते हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा था, यहाँ पे आपने पोस्ट करनी है या रीड कर सकते हैं, और उसका फ़ायदा मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाए यहाँ पे हमारे असल काम के ऊपर, वो थी हमारी बॉन्टीज। ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के टैब में हमारे पास आती हैं बॉन्टीज एंड रिवॉर्ड्स। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास आती है मुख्तलिफ किस्म की बॉन्टीज। ठीक, ये बॉन्टीज है, ये वो चीज़ है जो आपने फॉलो करनी है, यहाँ से ही आपकी अर्निंग आनी है, और यहीं से ही आप अपने कॉइन्स कमा सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक सैंपल ओवरव्यू दे देता हूँ। आपने क्या करना है, लेट सपोज आप इस बॉन्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे आए। ठीक है, इसके मेन फर्स्ट पेज पे चले जाए, ये इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, कौन किस चीज़ से ये प्रोजेक्ट रिलेटेड है, रूल्स क्या हैं, और बजट कितना है इसका, मतलब इसमें कितना रिवॉर्ड मिलेगा, और इसमें कौन कौन सी कैंपेन्स हैं। अब टॉप से स्टार्ट करते हैं।
जब आपने सब कुछ कर लिया है तो सबसे पहले इनके रूल्स में है कि आपने इनके ट्विटर के अकाउंट को ज्वाइन करना है, फेसबुक को, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, रेडिट और बाकी इनकी जो अपनी वेबसाइट है उसको विजिट करना है, या उसके ऊपर आप कोई चीज़ चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। अब ये इनकी सोशल्स अकाउंट है, ठीक। इसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा QIE कॉइन्स के अंदर। फिर आप जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज में जब ये ट्रांसफ़र होते हैं तो वहाँ से आप USD या USDT में कन्वर्ट करके फिर फर्दर मज़ीद इसको विड्रॉल कर सकते हैं। और क्या कहता है, जब कैंपेन एंड होगी तो एंड होने के बाद यानी 6 नवंबर को ये कैंपेन एंड हो जाएगी, उसके एक महीने के बाद यानी 6 दिसंबर आप कंसीडर कर ले, अगर ये एग्जैक्ट एक महीने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यानी कॉइन या आपका रिवार्ड आपको सेंड करेंगे, लेकिन ये 2 महीने भी लेट हो सकता है, 3 महीने भी, इनका कोई पता नहीं होता। अच्छा, जब आप ये चीज़ें कर लें उसके बाद आपने क्या करना है, ये इसको हम कहते हैं प्रूफ ऑफ ऑथेंटिकेशन। ये एक हमारे पास इस पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना होगा, इसको कॉपी कर लें नोटपैड, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने ले लिया है प्रूफ ऑफ ऑथेंटिकेशन। अब जिस तरह मैंने पहले कहा था कि सोशल मीडिया अकाउंट्स लाजमी आपके यहाँ पे ज़रूरत होंगे, यहाँ पे आपने टेलीग्राम का देना है यूज़र नेम। अब टेलीग्राम क्या होता है हमारे पास, ये एक ऐप है टेलीग्राम की जो मेरी स्क्रीन में आपको ऑलमोस्ट नज़र आ रही होगी, ठीक। ये वो कैंपेन्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं या बाकी सोशल मीडिया के। आपने क्या करना है, पहले तो सबसे पहले टेलीग्राम की ऐप इंस्टॉल कर देनी है। पाकिस्तान में टेलीग्राम की ऐप बैन है। आपने ऐप इंस्टॉल कर ली, इनिशियल लेवल पे आपने आईपी चेंजर यूज़ करना है या जो आपकी आईपी को कोई भी आईपी का आपने टूल इंस्टॉल कर लेना है क्रोम की एक्सटेंशन में। टेलीग्राम पे जाके वहाँ से अकाउंट बना ले अपने मोबाइल नंबर पे, उसको वेरीफाई एक दफ़ा जब आप कर लें उसके बाद आपने ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर अपना अकाउंट लॉगिन करना है, बस उसके बाद आप फ्री हैं, इसको बगैर आईपी चेंज के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप, मेरी आईपी चेंज नहीं है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। टेलीग्राम का आपने यूज़र नेम देना है, जो हमारे पास यूज़र नेम होता है, जिस तरह मेरा यहाँ पे एक MSZ है, एक निका खान है, तो आपने जो अकाउंट यूज़ करना है उसका यूज़र नेम दे दें। कैंपेन आपने किस किस चीज़ के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, और दूसरी चीज़ आपके पास है QI वॉलेट एड्रेस, तो ये चीज़ें आपने इंटर करनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा प्रूफ ऑफ ऑथेंटिकेशन, और ये आपने पोस्ट कर देनी है। कहाँ से, इसके ऊपर रिप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपने पोस्ट कर देनी है ये प्रूफ ऑफ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा, तो आपने जब ये पोस्ट कर दिया है तो मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ, मेरे पास मैंने जो ज्वाइंस किए थे, ठीक, जो रिसेंट ज्वाइन किया मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास है प्रूफ ऑफ ऑथेंटिकेशन, मैंने वो वॉलेट एड्रेस डाला है, उन्होंने बकायदा एक एक्सचेंज रिकमेंड की थी वो, ठीक है, ये वॉलेट एड्रेस हो गया। और उसके बाद मैंने यूज़र नेम डाला है और कैंपेन जिस पे अप्लाई करनी है। अब आपने क्या करना है, मैं आपको एक शो चीज़ शो करवा देता हूँ यहाँ पे आके। ये जब आप पोस्ट कर लेते हैं प्रूफ ऑफ ऑथेंटिकेशन, ये चीज़ मैंने जिस तरह प्रूफ ऑफ ऑथेंटिकेशन में पोस्ट की है, उसके बाद ये आपका यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे ये इस जगह के ऊपर,
इसका जो लिंक है वो यहाँ से जनरेट होता है। आपने क्लिक किया, ये मैं ब्राउज़र को थोड़ा नीचे ले आता हूँ, ये आपके पास यूआरएल आता है, इसको कॉपी कर लें। इसको कॉपी करने के बाद आपने ठीक यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ये POA लिख ले, प्रूफ ऑफ ऑथेंटिकेशन, ये आपके पास यूआरएल आ गया। अब आगे इसका मजीद प्रोसेस, जब आप प्रूफ ऑफ ऑथेंटिकेशन डाल देते हैं उसके बाद आपने क्या करना होता है, और दूसरी बात, प्रूफ ऑफ ऑथेंटिकेशन डालनी है और इसके साथ साथ आपने ये भी करना है कि इन्होंने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको बताए हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये चीज़ें, इनको ज्वाइन करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ट्विटर पर उठा के दे देता हूँ, ये मैं ट्विटर पे जा रहा हूँ, यहाँ से आने के बाद मैं यहाँ पे आके ये ट्विटर पे जाता हूँ इनके अकाउंट के ऊपर, ये मेरे पास ट्विटर आ गया है इनका, मैंने यहाँ पे क्या करना है, फॉलो, ठीक। अब मैंने फॉलो कर लिया, बस दैट्स इट, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी रूल की वो कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह आपने फेसबुक पे जाके इनके पेज के ऊपर जाना है, लाइक करना है, या वहाँ पे फॉलो या लाइक एक बटन बना होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इंस्टाग्राम पे जाके ट्विटर की तरह वहाँ पे फॉलो होता है वो कर लेना है। टेलीग्राम आपने ज्वाइन करना है, इसको कॉपी करेंगे, ये यहाँ से आपने कॉपी किया है इसकी यूज़र नेम को, मैंने Ctrl+C, और यहाँ पे आके ये देखें ये हो गया। उसके बाद टेलीग्राम आपने क्या करना है, टेलीग्राम लाजमी ज्वाइन करना है। रेडिट का आपके पास सेम तरीका कार है, वहाँ पे जाके आपने इसको फॉलो कर देना है। जब ये सारा चीज़ आप कर लें, इन सारी चीज़ों को आप कंप्लीट कर लें, तो ये तो हो गए रिक्वायरमेंट्स। अब कंपेन का बजट, वो कहते हैं सिग्नेचर इतने परसेंट, ट्विटर कंटेंट, यहाँ पे दो कंपेन है सिर्फ, एक है कंटेंट क्रिएशन की, एक है हमारे पास ट्विटर की कंपेन। ट्विटर में वो क्या कहता है, अच्छा सबसे पहले उन्होंने कंटेंट दिया हुआ है, कंटेंट में वो कहता है कि इतने से इतने स्टेक। अब स्टेक्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, जो बॉन्टी मैनेजर्स होते हैं वो जब आपको रिवॉर्ड देंगे तो आपके काम के मुताबिक देंगे, वो उनको स्टेक्स में डिवाइड कर देते हैं। अब वो क्या कहता है कि वीडियोस 200 व्यूज़ की मिनिमम होगी तो क्वालिफाई होगी, अगर इसके व्यूज़ 200 से लेस हैं आपकी वीडियोस की तो वो क्वालिफाई हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उसकी मिनिमम लेंथ 3 मिनट होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज ही एक्सेप्टेबल है, और क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन भी आपने कुछ लिखनी है वीडियो के अंदर, और इस तरह, मतलब कुछ यूज़र इस तरह करते हैं कि वीडियो बनाते हैं और उसके ऊपर उसकी यूज़र की वॉइस नहीं होती, जिस तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरी वॉइस ना हो तो इस किस्म की वीडियो एक्सेप्ट नहीं होगी, और ये सारी चीज़ें आपने ये लिखनी है यहाँ तक, ये इसकी वीडियो के रूल्स हैं। अच्छा, वीडियो आपकी यहाँ पे यूट्यूब अलाउ है, मोस्टली कंपनी में क्या होता है, यूट्यूब और टिकटॉक दोनों अलाउ होते हैं, टिकटॉक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अच्छा, आपने यूट्यूब की वीडियो सिर्फ डालनी है, टिकटॉक मतलब इसके यहाँ पे नहीं है, और क्या कहता है, दो वीडियोस और दो आर्टिकल पर पर्सन अलाउ है, इससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते हैं। आर्टिकल के लिए उन्होंने लिखा है 50 व्यूज़ लाजमी होने चाहिए, 500 वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए, और वो डुप्लीकेट ना हो, प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट होना चाहिए, और आर्टिकल आपने या मीडियम पे पेस्ट करना है, या स्टीमिट पे, या लिंक्डइन पे, या रीड कैश पे, ये प्लेटफॉर्म उन्होंने दिए हुए हैं कि उनके ऊपर ही आपने पोस्ट करना है। इसके अलावा अगर कोई फेसबुक के ऊपर आर्टिकल डाल देता है, पोस्ट कर देता है, या ट्विटर या इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म में डालता है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने इन रूल्स को बहुत ही गौर से पढ़ना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। ये हमारे पास स्प्रेडशीट होती है और ये ज्वाइन हेयर का हमारे पास फॉर्म होता है। अब अगर मैंने तो कोई वीडियो इनकी बना ली है, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, क्लिक करूँगा, कंटेंट क्रिएशन में आपने फॉर्म लास्ट में ज्वाइन करना होता है,
यानी जब आप कंटेंट बना लो उसको पोस्ट करने के टाइम। बाकी जितनी कैंपेन्स होती है उसमें आपने फर्स्ट में ज्वाइन करना होता है, क्योंकि इनके पास लिमिटेड सीट होती हैं, और जैसे ही वो सीट्स पूरी होती हैं तो वो आपको फिर आप ज्वाइन नहीं कर सकते, यूज़र कंप्लीट हो जाएंगे आप ज्वाइन नहीं कर सकते। अब ये हमारे पास जो स्प्रेडशीट होती है यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आप एक्सेप्टेड हुए हैं कि नहीं, इस कैंपेन में आपको एक्सेप्ट किया गया है कि नहीं, और वीक वन का रिवार्ड आपको मिला है 2, 3, 4 इस तरह सारे, और आपके टोटल स्टैक कितने हुए। फिर एक और कॉलम ऐड कर देते हैं टोकन्स का, ये सिग्नेचर का हमारे पास कॉलम टैब है, यहाँ पे हमारे पास सिग्नेचर के आ जाते हैं, और एक कंटेंट क्रिएशन। अब देखिए इन लोगों ने कंटेंट बना के पोस्ट किए हुए हैं, अब कंटेंट बना के पोस्ट करने के बाद इन्होंने फॉर्म फिल किया। अब इससे मेरा क्या मकसद है ये देखें मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज आपने क्लिक किया है ये आपने फॉर्म कंटेंट क्रिएशन का ओपन किया इसको फिल करने के लिए। यहाँ पे तो आपने जिस फॉर्म इसमें आपने साइन इन किया होगा, साइन अप करने के बाद जो आपका यूज़र नेम आपने बनाया होगा वो यहाँ पे लिख देना है। ऑथेंटिकेशन लिंक, ये वो लिंक है जो मैंने आपको कहा था कि POA, जब आप प्रूफ ऑफ ऑथेंटिकेशन पोस्ट करते हैं उससे एक लिंक जनरेट होता है, वो लिंक यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये देखिए POA, ये लिंक आपने सेव कर लेना है अपने पास। ये इस तरह की एक नोटपैड फाइल कोशिश कर ले बना लिया करें, तो उसमें सारा डाटा सेव किया करें, ठीक है। आपने इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है। वीडियो और आर्टिकल लिंक, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि कंटेंट में आपने फॉर्म लास्ट में सबमिट करना होता है जब आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, बाकी में पहले ज्वाइन करना होता है। अब ये अगर लेट सपोज आपने कंटेंट, अब मैंने कंटेंट इसका नहीं क्रिएट किया तो मैं यहाँ पे क्या लिंक दूंगा, यहाँ पे मैं लिंक दे ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक मैंने कंटेंट क्रिएट ना किया उसका लिंक जनरेट ही नहीं होगा और मैं यहाँ पे फिल नहीं कर सकता। इस तरह आपके उस प्लेटफॉर्म के लेट सपोज मीडियम हो गया या जो भी उन्होंने रिक्वायर्ड किया, यूट्यूब है उसके कितने सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स हैं, टेलीग्राम का आपने यूज़र नेम दे दिया ना जो टेलीग्राम अकाउंट मैंने आपको कहा था, और QI वॉलेट एड्रेस, ये QI वॉलेट यहाँ पे QI है, यहाँ पे BS बाइनांस का एड्रेस होता है जो मैंने बाइनांस वॉलेट आपको बताया, ठीक है। BNB जिसको हम कहते हैं वो, जिसे यहाँ पे आपके पास होगा BSCAN, वो एड्रेस है जो आपका ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क से जो री कनेक्ट होगा, जिसको हम मल्टी चेन एड्रेस कहते हैं, BSC एड्रेस उसको कहते हैं, BP20, ठीक, ये एड्रेस हमारे पास होता है, ये हमारे पास यहाँ से क्रिएट होता है आपके एक ट्रस्ट वॉलेट से, मेटामास्क से, और बाइनांस से भी आपका BNB का जो एड्रेस होगा वो भी पुट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है आप ट्रस्ट वॉलेट का BSC एड्रेस ऐड करें जो मल्टी चेन वॉलेट होता है, उसमें आपके यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर उन्होंने जिस तरह यहाँ पे QI वॉलेट है, कोई उनका अपना स्पेसिफिक एक्सचेंज है, उन्होंने कहा है कि उसी का एड्रेस ही इंटर करना है, उसके बाद उसके अलावा के पास कॉइन रिसीव नहीं होंगे, तो आपने वो बना के ऐड कर देना है। ये हो गया कंटेंट फॉर्म। अब ये तो हो गया वो फॉर्म जो आपने मतलब जब कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं आप सबमिट करते हैं। अगर लेट सपोज मैंने कंटेंट की कैंपेन नहीं ज्वाइन करनी, मैंने ट्विटर ज्वाइन करनी है, मैं ट्विटर पे क्लिक करता हूँ ज्वाइन करने का फॉर्म, सेम उसी तरह यूज़र नेम, ऑथेंटिकेशन लिंक, ट्विटर का जो आपका अकाउंट होगा उसका लिंक, ऑडिट लिंक, ठीक है। आप इस लिंक पे जाके अपना ट्विटर अकाउंट से आप लॉगिन होंगे या इंटर करेंगे यूज़र नेम, तो वहाँ पे आपके पास एक लिंक जनरेट होगा। उस लिंक में क्या होता है रिपोर्ट में, कि आपके पास उस रिपोर्ट में ये इंफॉर्मेशन होती है कि इसके कितने फेक फॉलोअर हैं, कितने लेजिट फॉलोअर हैं, तो आपने उसी के हिसाब से चलना है, ठीक है। आपने उसके अंदर वो रिपोर्ट का लिंक यहाँ पे दे देना है। कोशिश करें अपने यूज़र आपके जो फॉलोअर्स हैं, लेजिट फॉलोअर्स वो फेक होंगे तो उसके के बहुत मसाइल होते हैं, आगे जाके आपके अकाउंट ब्लॉक हो सकते हैं, आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा, कोई कंप्लेन कर देगा तो आप ब्लैक लिस्ट हो जाओगे, उस पूरी की पूरी बाउंटी से ही ब्लैक लिस्ट हो जाओगे, उनका जो बाउंटी का ग्रुप है ना उसके बाद आपको वो इन नहीं होने देंगे, आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, आपको बैन कर देंगे। उसके बाद आपके पास जो फॉलोअर्स है उसको सेलेक्ट कर लेना है, टेलीग्राम का यूज़र नेम लिखना है, टेलीग्राम का यूज़र नेम इन फॉर्म में हमेशा आपने Shift+2 एट द रेट का साइन जो हमारे पास होता है वो आगे जिस तरह मेरा है ये इस तरह इंटर करना है, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो,
और अगेन वो वॉलेट एड्रेस एंड सबमिट। ये हो गया ज्वाइन करने का तरीकाकार। जब आप ज्वाइन कर ले उसके बाद आपने क्या करना है, इनके रूल्स भी साथ ही पढ़ने हैं। कंटेंट के रूल जिस तरह मैंने आपको बताया, ट्विटर के क्या रूल है। ट्विटर एक तो आपके फॉलोअर्स के ऊपर आपके स्टेक डिपेंड है, कितने फॉलोअर्स है उसके मुताबिक आपको स्टेक मिलेंगे, ठीक है, हर वीक। अब आपने टास्क क्या करना है, ये चीज़ आपने नोट करनी है। एक दिन भी मिस हो गया, कोई भी चीज़ आपने मिस कर दिया, आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ये चीज़ क्लियर है? अभी बहुत रिस्ट्रिक्शन हो गई है, लोग बहुत फेक काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से। अब वो क्या कहता है कि कम से कम आपके 300 फॉलोअर तो ऑन होने चाहिए जब आप ट्विटर कैंपेन के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। इनके अकाउंट को लाजमी फॉलो करना है। अगर इनके अकाउंट को फॉलो ना भी करें और आपके लेट सपोज 10,000 से ऊपर के फॉलोअर्स भी हैं और आपको सारा का सारा रिवार्ड हर वीक मिल रहा है, एंड पे जब काउंटिंग होगी तो वो आपको कैंपेन से आउट कर देंगे। अच्छा, ये चीज़ आपने गौर करनी है। एक पोस्ट और एक रीपोस्ट। रीपोस्ट हमारे पास होता है शेयरिंग को हम कहते हैं। ये आपने एक दिन में करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। एक ही दिन में पाँच पाँच चार चार रिपोस्ट करके ये चीज़ नहीं करनी है। और वीकली रिपोर्ट सबमिट करनी है स्टेक रिसीव करने के लिए। मिनिमम क्या हो, 10 पोस्ट एक हफ्ते में हो, 5 ट्वीट और 5 रीट्वीट्स। अब एक हफ्ते का हमारे पास क्या होता है, मंडे से लेके आप फ्राइडे तक काउंट करें तो 5 ट्वीट्स और 5 रीट्वीट्स पर डे अगर आप कंटिन्यूस करते जाएं तो आपके पास ये रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। ये देखें, ट्विटर अकाउंट्स विल बी ऑडिटेड, ओनली दोज विद रियल फॉलोअर्स विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। जिनके रियल होंगे तो एक्सेप्ट होगा, बाकी नहीं होगा। और ये हैशटैग आपने इस्तेमाल करने हैं जब आप कोई भी पोस्ट करें या रिपोस्ट करें। यहाँ तक आप, उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। उसके पास हमारे पास आती है, उसके बाद ये फॉर्मेट उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मेट आ गए, यहाँ पे ट्वीट का लिंक इस तरह और रिट्वीट का लिंक, और ये हमारे पास वीक्स आ गए हैं, 10 to 16, 17 to 23 और इस तरह हर वीक। अब आपने क्या करना है, जब मैंने आपको कहा था कि भाई इस तरह नोट पैड में हर चीज़ लिख लें, उसके बाद यहाँ पे हैशटैग अगर कोई यूज़ करना है, जिस तरह ये हैशटैग है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको अपना प्रोसेस बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को आसानी हो। जब यहाँ तक मैं डेटा अपने फाइल में सेव कर लेता हूँ, उसके बाद जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स या रूल्स होती हैं, ताकि वो मेरे सामने हो, मुझे कन्फ्यूजन ना हो, मैं भूलूँ नहीं, ट्विटर के रूल्स लिख लेता हूँ, मीडियम, टेलीग्राम, जो भी इनके रिक्वायरमेंट्स होती है। उसके बाद मैं कुछ पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ तो फिर उनको वक्तन फ़ौक्तन पोस्ट करता रहता हूँ। उनके जो वाइट पेपर है वहाँ से आप डेटा उठा सकते हैं, वेबसाइट से उठा सकते हैं। बस आपको थोड़ी थोड़ा सा इसको समझना है, बाकी बहुत ही इजी है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है लेकिन होगा। अब ये मेरी देखे वीक 1 की रिपोर्ट, इसमें ट्विटर की रिपोर्ट मैंने बनाई है, उसमें वीक नंबर, ट्विटर का प्रोफाइल लिंक आपने डाल देना है टॉप पे, ये रीट्वीट्स के लिंक है और ये ट्वीट्स के लिंक है, ठीक। फिर इसी तरह मजीद मीडियम हो गया, टेलीग्राम के हो गए, इसी तरह आपने रिपोर्ट उस पैटर्न पे बनानी है जो इन्होंने यहाँ पे आपको दिया होगा। इससे अलग हट के पैटर्न आपने इस्तेमाल नहीं करना होगा। हर बॉन्टी में ऑलमोस्ट पैटर्न बताया जाता है कि इस पैटर्न पे आपने वीकली रिपोर्ट सबमिट करनी है। जब आप रिपोर्ट इस तरह बना लें तो आपने क्या करना है कि रिपोर्ट को सबमिट जब कर लें तो उसका लिंक अपने पास सेव कर लें, इसलिए कि जब आपको स्टैक ना मिले वीक के एंड पे या दूसरे वीक के मिड तक आपको स्टैक ना मिले, तो आपने क्लेम करना है कि भाई मैंने ये मेरी वीक 1 का रिपोर्ट कर लिंक है, काइंडली आप मेरे स्टैक्स अपडेट कर लें, ठीक है। ये मेरे वीक 1 का रिपोर्ट का लिंक हो गया। ये मैं आपको सारा बकायदा प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ सैंपल के साथ, ताकि आप लोगों के लिए मसला ना हो। इस किस्म का आपने ये देखे बाकी यूजर्स ने दिए हुए हैं। अब आ जाए, जब बॉन्टी है आपके पास, बॉन्टी में आपके पास एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है, ये मैनेज बाय एट द रेट ऑफ फॉक्स कैंपेन्स। अगर आपको, आप मेरे इस जगह पे देखें, यहाँ पे आपको एक चीज़ शो हो रही होगी, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, जब मैं इसके ऊपर हवर करता हूँ, यहाँ पे आप देखिए फॉक्स कैंपेन।
इनका टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना है। अब जैसे आप देखिए, मैंने ये कुछ ग्रुप टॉप पे रखे हुए हैं, इनको पिन किया हुआ है, बॉन्टी डिटेक्टिव, फॉक्स कैंपेन्स, अलादीन सेंटर, क्रिप्टो प्रो क्रिप्टो अनाउंसमेंट, इनके टॉप्स की बाउंटी आती हैं। ये ही बहुत ज़्यादा बाउंटीज को रिलीज़ करते हैं और लेके आते हैं, तो उसके मुताबिक रिवार्ड्स होते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने बाउंटीज आपके सामने रखी थी वो थी फॉक्स कैंपेन्स की, आप लोग जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो आप एलिजिबल है। लेट सपोज उन्होंने फेसबुक के 5,000 फॉलोअर मांगे हैं और आपके पास ट्विटर के 300 जिस तरह मिनिमम थे, इस तरह रेडिट के उन्होंने लिखा कि आपके कर्मा हो 2,500, 200, 100, तो उसके हिसाब से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें अभी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक और काम आपने करना है, जो इसकी मैंने आपको स्प्रेडशीट दिखाई थी, ठीक है, तो ये स्प्रेडशीट आपने क्या कर लेना है, आपने बुक मार्क कर लेनी है। अब मैं आपको एक और सैंपल दिखाता हूँ, इन्हीं फॉक्स कैंपेन्स वालों का मैंने ज्वाइन किया है। ये QI बाउंटी, ठीक है, जो अभी QI एड्रेस वो मांग रहे हैं, इसी तरह ये पहले भी इनकी एक QI की बाउंटी चली है 8 वीक्स तक। अब यहाँ पे देखें, जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक, ये देखें मैंने ज्वाइन किया, इसमें मुझे मेरे पास टाइम इतना नहीं होता है तो मैंने काम नहीं किया था, ये मेरा अकाउंट है, ये मैं आपको सिर्फ रेडिट के शो करवा रहा हूँ। रेडिट में मुझे मैंने 2 वीक काम किया, 2 वीक स्टैक्स मिले। अभी इनके टोटल स्टैक काउंट नहीं हुआ है, ये एक कम्प्लीट फाइनल लिस्ट रिलीज़ करते हैं। वो फाइनल लिस्ट की भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इसी तरह ये वीडियो जिन जिन लोगों ने डाली थी उनका भी रिव्यू नहीं हुआ, यहाँ पे स्टेक्स लिखे होते हैं। ये आप देखें सिग्नेचर वालों की, ये उनको $35 पर वीक के हिसाब से, किसी को 50, किसी को $60, मतलब आपके जो यूज़र का लेवल होता है सिग्नेचर, वो बंदा ज्वाइन कर सकता है और उससे वही बंदा ज़्यादा प्रॉफिट ले सकता है जिसका यूज़र लेवल ज़्यादा होगा। जिस तरह मेरा हीरो मेंबर था, तो इससे आप तो अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं अगर अच्छी बाउंटी आती है और उसी फॉर्म के अंदर आती है। अगर लेजेंड है, हीरो, लेजेंड और हीरो सेम कंसीडर किए जाते हैं, उसके बाद मेथिकल और पादवान, तो वो तो हाई क्वालिटी के और टॉप लेवल के होते हैं। और कुछ बाउंटीज ऐसी होती हैं जो आपको वीकली $550, $100, $200 तक देते हैं। अगर आपका लेवल पादवान या मेथिकल तक है तो उससे आप ज्वाइन करते हैं, उनकी जो बाउंटी होगी या उनका जो भी उनका टास्क होगा, उसमें आप उसको अपने सिग्नेचर में देना होगा और कंप्लीट करना होगा। बस हर वीक आपको वो $100, $50 से लेके $200 तक आराम से आपको पर वीक देंगे, नॉट मंथली, तो ये पर वीक ही इनका चलता है। तो कोशिश करनी है मैक्सिमम पोस्ट करें, मैक्सिमम कंटेंट शेयर करें, जो मैंने आपको फॉरम के इनिशियल बिगिनर और ये चीज़ें बताई थी, लोगों के जवाब सवालों का आंसर दे, उनके इश्यूज़ का आंसर दे, अपने कोई इश्यूज़ नए पोस्ट करें, कोई अच्छी चीज़ पोस्ट करें रिलेटेड, ना कि कोई और स्टोरी आप पोस्ट कर दें, तो इससे आपका यूज़र लेवल इंक्रीज़ होगा। और आपका जब यूज़र लेवल इंक्रीज़ होगा तो आप सिग्नेचर से बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। ये हो गया जब आपको मतलब वो स्टेक्स देते हैं, ये इंस्टाग्राम के स्टैक्स हैं, ठीक है, ये इस तरह। अब फाइनल लिस्ट कैसे होगी, अब एक ये मैंने, ये देखिए, एक बाउंटी मैंने ज्वाइन की थी, ये दूसरे बाउंटी मैनेजर की है, जिस तरह मैंने आपको टेलीग्राम में मैनेजर सिखाए, ये 1, 2, 3, 4 मैनेजर मैंने टॉप पर रखे हुए, ठीक। अच्छा, ये आपके पास आ जाए, ये देखिए टोटल स्टैक्स हैं ये कॉलम, और उसके अगेंस्ट आपके हिस्से में कितने टोकन्स आए हैं, वो डिवाइड करते हैं जितने रिवार्ड होता है उसको टोटल स्टेक्स के ऊपर, फिर जिसके जितने स्टेक होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब आपके पास ये आ जाए, फिर जब ये फाइनल लिस्ट रिलीज करते हैं, तो फाइनल तो आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं ये टोकन्स, हर कैंपेन का जिस तरह टेलीग्राम, मीडियम, सिग्नेचर, तो उस हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं। और जो फाइनल लिस्ट होगी वो आपने क्या करना है, ये फाइनल लिस्ट मेरे पास एक आई हुई है, इसमें आपका ईमेल होगा या फॉरम यूज़र नेम होगा या कुछ भी, यहाँ पे जो आपने एड्रेस दिया होगा वो होगा, और इसके अगेंस्ट टोटल टोकन्स होंगे और आपका जो एड्रेस होगा वो लिखा होगा, ठीक। ये अब लेट सपोज मैं अपना सर्च करता हूँ,
ये आ गया मेरा, अब ये मेरा एड्रेस आ गया और उसके अगेंस्ट मेरा टोटल टोकन्स होंगे। अब अगर आप लकी हैं तो ये टोकन्स जिस तरह वो क्लेम करते हैं कि भाई इतनी इसकी प्राइस होगी और इतना आपको प्रॉफिट होगा, अब इन्होंने दिया हुआ लोकल ट्रेड डॉट सी सी, ठीक है कि भाई यहाँ पे लिस्ट है, लोकल ट्रेड डॉट सी सी पे मैं जाता हूँ। ये हमारे पास होता है SBX, सोलर ब्लॉक्स जिसे हम कहते हैं, ये जो टोकन था, ठीक है। अब इसको सर्च कर देते हैं, यहाँ पे इसमें जाके, इसकी मार्केट में जाके यहाँ पे हैं, यहाँ पे सर्च करें, यहाँ पे हम लिखेंगे SBX, ठीक है। ये SBX हमारे पास आ गया। अब ये चीज़ आपने समझनी होगी, अब इन्होंने स्टार्टिंग प्राइस दिए हुए हैं 6.2 USD, 6.2, मेरे कितने पॉइंट थे, 911। तो ये अगर आप डमी एज्यूम करें, लेट सपोज 6.2, तो ये इतना रिवॉर्ड आपको नहीं मिलने वाला, कभी भी नहीं मिलने वाला। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये आप जब यहाँ पे आते हैं, आपने देख लिया कि भाई हाँ ठीक है, अब इसका इशू क्या है, देखिए इसका टोटल वॉल्यूम ज़ीरो है, इसका USDT का वॉल्यूम ज़ीरो है, इसका अपना SBX का वॉल्यूम ज़ीरो है, इसका 24 और चेंज ज़ीरो है, यानी इसके ऊपर अभी तक ट्रेडिंग स्टार्ट ही नहीं हुई, समझ आए। ये देखिए वॉल्यूम ज़ीरो, जब इसके ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी और वहाँ से आपको पता चलेगा कि इसकी ट्रेडिंग जब स्टार्ट हो गई है, अब जब इसकी प्राइस जब आप देखेंगे तो ये कोई आई होगी 0.00, कोई 1, 2, इस तरह, लेट सपोज मैं 0.002 कर लेता हूँ, तो मेरा रिवार्ड आके यहाँ पे रुक जाएगा। फिर अगर आप लकी हैं तो शायद हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली जो हमें कॉइन मिले थे, एक एक कॉइन के एक एक दो दो डॉलर, 6 डॉलर, 12 डॉलर प्राइस थी, और 800 800 900 900 डॉलर मैंने विड्रॉ किया हुआ है एक एक कैंपेन के ऊपर, मतलब एक बोन्टी के ऊपर। एक बोन्टी के अंदर मुख्तलिफ कैंपेन होते हैं। आपने जो सबसे पहले काम करना है, अपना जो सोशल मीडिया के जो आपके प्रोफाइल्स हैं, फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम, रेडिट, मीडियम, इनके ऊपर फोकस करना है। रेडिट के कर्मा पॉइंट ज़्यादा करें, फेसबुक के फॉलोअर्स ज़्यादा करें, अपने फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, ठीक हो गया, दोनों कंसीडर किए जाते हैं, यानी फ्रेंड प्लस फॉलोअर्स होते हैं। आपके फ्रेंड्स 5,000 पे आके रुक जाते हैं, उसके बाद अगर आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दे तो वो फॉलोअर्स में जाते हैं। उसके अलावा पेज की सेटिंग होती है, आप किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें तो वो ऑटोमेटिक फॉलोअर में जाता है, वो अकाउंट की सेटिंग आपने करनी होगी। ट्विटर के फॉलोअर, तो ये जितने जितने आपके ज़्यादा होंगे ना, लेट सपोज फेसबुक के 10,000+ आपके टोटल बन रहे हैं, ट्विटर के 10,000+ आपके बन रहे हैं, रेडिट के कर्मा 10,000+ आपके बन रहे हैं, इंस्टाग्राम के 10,000+ आपके फॉलोअर्स हैं, तो ये चार पांच जो मैंने आपके 10K से ऊपर के मैंने आपको गिनवाए हैं ना, ये आपको मैक्सिमम रिवार्ड देंगे। जितना भी मैक्सिमम रिवार्ड होगा हाई यूज़र अकाउंट के लिए, वो आपको मिलेगा, आपने टास्क सिर्फ कंप्लीट करना होगा। अगर आप मैक्सिमम टारगेट को हिट करते हैं, तो अगर एक कॉइन लेट सपोज आपको मिले हैं, जिस तरह मैंने आपको शो करवाया 911 थे, 911 थे, अब 0.002 है ना, और वो सेम कॉइन मुझे मिलेंगे, अगर मैं ये इनके मैंने 2 वीक सिर्फ काम किया था, वो भी कुछ कुछ में, कुछ में मुझे कैंपेन्स में कॉइन मिले, कुछ में नहीं मिले, क्योंकि वो मैंने टास्क सही कंप्लीट नहीं किया था, और इंसान है भूल जाता है, टाइम नहीं होता था, तो वो मिस हो जाता था। तो अगर 4 दिन आपने काम किया, 5 5वें दिन नहीं किया, तो आपका सारा 4 दिन का काम वेस्ट हो गया, कंटिन्यूस आपने काम करना होगा। अब वो मुझे अगर मैं कंप्लीट का हिसाब लगाऊं तो वो मेरे कोई बनते थे 10,000, सॉरी ये हो गया 0.002, $20। अब एक बॉन्डी से मैंने एक महीने में $20 कमाए हैं उनकी, अगर मेरे अकाउंट टॉप पे हैं, और उसी बॉन्डी से ये मैंने वर्स केस में 0.002 लिखा है, और अगर इसकी कीमत 0.1 भी है ना, मतलब ये 6 डॉलर, 6.2 डॉलर, 6.2, $28 बहुत बड़ी वैल्यू है, अगर 6.28 नहीं है, 0.1 है सिर्फ,
अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ $1,000, तो $1,000 बहुत ही अच्छी इनकम है। तो आपने मैक्सिमम कोशिश करना है, हिट करना है। ठीक है, ये आपके पास आ गया प्लेटफॉर्म, फॉरम, साइन अप हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, उसके साथ ही मैंने आपको पॉन्टी को ज्वाइन करने का प्रोसेस बताया है। एक और फॉरम है, वो बोट टॉप पे है, लेकिन वो बोट ही टफ है, उसकी रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। वो है बिटकॉइन टॉप। ठीक है, सेम प्रोसेस है, सेम ज्वाइनिंग प्रोसेस है, सेम पोस्टिंग प्रोसेस है, सेम चीज़ है। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, सेम चीज़ है। ठीक है, ये आपने ये दोनों ही ज्वाइन करने हैं, बल्कि बिटकॉइन टॉक ऑल्टकॉइन टॉक से पुराना फॉर्म है और इसकी सिग्नेचर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। अगर इसमें आपका यूज़र स्टेटस ज़्यादा है, यानी हीरो या लेजेंड के लेवल के ऊपर है, तो अगर वहाँ से आप सिग्नेचर के ऊपर $50 पर वीक कमाते हैं, यहाँ से आप $2,800, $250, $150, यानी उसके डबल या ट्रिपल आप कमाएंगे। ये बहुत ही हाई लेवल के फॉरूम्स हैं। अब आ जाएं यहाँ पे हमारे पास। ठीक, हाँ, अब लेट सपोज आपने आपके पास टोकन्स आते हैं आपके एड्रेस के ऊपर, तो आपने क्या करना है, आपने ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क ये चीज़ें बना लिया, आपके पास एक वॉलेट एड्रेस आ जाता है जो कि इस फॉर्म में होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया है। ये हमारा वॉलेट एड्रेस होता है। अब आप क्या करते हैं कि मेरे पास भाई टोकन आए हैं या नहीं आए, मुझे मिले हैं। अगर आप वैसी सर्च चेक करना चाहते हैं, तो एक वेबसाइट है BSC स्कैन। ये होता है आपका बाइनांस से रिलेटेड जितने भी कॉइन्स होंगे, वहाँ पे आपने साइन अप कर लेना है। अपना अकाउंट बनाने के बाद वॉच लिस्ट में आपने जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर लेते हैं, ऐड के ऊपर क्लिक करके जो आपका वो एड्रेस ट्रस्ट वॉलेट जनरेट करता है, वो आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे आपके पास वो आ जाएगा, इस इधर लिस्ट बनी हुई आ जाएगी, जिस तरह मेरा एक शो हो रहा है। और जो बैलेंस के अंदर आपको शो हो रहा है, वो आपके पास वो कॉइन शो होंगे जिनकी कुछ वर्थ है, जो ऑलरेडी ट्रेडिंग में है और उनकी वर्थ है। जिस तरह मेरे पास ये कॉइन्स हैं, इनकी कुछ ना कुछ वर्थ है हर कॉइन की, तो शो हो रहे हैं। बाकी कॉइन्स मेरे पास इससे ज़्यादा है। अब वो कैसे पता चलेगा, मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास 24 कॉइन्स है। ये अब उन कॉइन्स की वर्थ नहीं है। कुछ इसमें ऐसे भी होते हैं कि हर जगह पे हर एक्सचेंज में हर प्लेटफॉर्म के ऊपर फेक यूज़र होते हैं, वो आपको टारगेट करेंगे। क्रिप्टो मार्केट फेक यूज़र से भरी हुई है, फेक इंस्ट्रक्टर से भरी हुई है, हर कोई आपको लूटने की कोशिश करेगा। आपके पास कोई कॉइन आता है, तो आपने हर कॉइन के ऊपर क्लिक नहीं करना है। अब मेरे पास ये मुख्तलिफ कॉइन है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, मेरे पास शायद हो, ये देखें appswap.io। अब ये क्या करते हैं, कॉइन आप भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ, बहुत ही आसान है क्रिप्टो कॉइन को क्रिएट करना। ऑनलाइन स्क्रिप्ट पड़ी होती है, उसी को रन करें। अब ये चीज़ें आपके पास आई हैं। ठीक है, एप स्वैप आ गया, 0 ऐप, ये होल्डर्स इतने हैं, इतने लोगों को इन्होंने सेंड किया हुआ है, इसकी कोई वर्थ ही नहीं है। ये देखिए प्राइस कुछ भी नहीं है इसकी, ये सिर्फ आपको लूटने के लिए ये चीज़ कॉइन करते हैं। और फिर आगे एक वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, जिस तरह सोशल प्रोफाइल है ना, यहाँ पे आपके पास वेबसाइट लिंक होगा, उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, तो वहाँ से आपको वो कहेंगे अपना वॉलेट कनेक्ट करो। जैसे ही आप वॉलेट कनेक्ट करेंगे, आपके वॉलेट में जितना भी बैलेंस होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो इस हिसाब से वो आपको लूटते हैं। तो ये हो गया BSC स्कैन। इसी तरह हमारे पास होता है, इसी तरह हमारे पास और बहुत से स्कैन हैं, मैं आपको बता देता हूँ वो। ये देखें, ये हमारे पास ब्लॉक स्कैन्स के ऊपर, ये सारे इथर स्कैन है, BSC स्कैन, पॉलीगन स्कैन, बाकी ये टेस्ट नेट हैं, इनको आप छोड़ दें, आप वैसे ही कन्फ्यूज़ होंगे। ये मैंने क्रिएट किए थे NFT जब मैं टेस्ट कर रहा था। तो इथर, BSC स्कैन, पॉली स्कैन, ये आपके पास यहाँ से आ गए। और एक होता है ट्रॉन स्कैन, वो TRX के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब ये स्कैनिंग वेबसाइट होते हैं। उसके पास आप आ जाएं क्रिप्टो कैंपेन्स। हाँ, ये जो मैंने आपको बताई है कि फेसबुक से रिलेटेड कैंपेन होता है, और आपके पास होता है और ट्विटर से रिलेटेड, इंस्टाग्राम कैंपेन। एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी थी, यहाँ पे आपने ज्वाइन करना है।
ठीक है, उसके बाद कुछ पोस्ट लिख के उसको पोस्ट करना है। किस तरह, उसकी सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसका वो शो कैसे होगा जब आप वो लिखते हैं। लेट सपोज मैं आपको पुरानी अपनी पोस्ट शो कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने शेयर की हैं और ये मैंने टाइप की हैं। टाइप का तो आप टेक्स्ट, मैंने जिस तरह आपको कहा था, इनकी जो वाइट पेपर होता है या प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होता है, तो उसको रीड करके उससे कुछ पोस्ट कर ले, बना ले। और ये नीचे हैशटैग, वो आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके, जिस तरह हम हर चीज़ के पोस्ट करते हैं उस तरह न्यू पोस्ट करके पोस्ट कर देना है। अब ये इसको हम कहते हैं रीपोस्ट। अब मेरे पास ये लेट सपोज ये हैशटैग है, मैं इनके उस पर जाता हूँ, रीपोस्ट कैसे करना है, यहाँ पे आ जाए। अब ये एक कैंपेन है, इन्होंने ये पोस्ट की हुई है, ये देखें, इनकी मेन पोस्ट पे जाता हूँ, ये इन्होंने पोस्ट की हुई है। अब यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं, ये रीट्वीट शो होता है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर लें। एक होता है रीट्वीट, जब आप रीट्वीट करेंगे तो आप उसका लिंक आपके पास नहीं आएगा, वो जनरेट नहीं होगा, आपने करना है कोट रीट्वीट। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है एडिट का, यहाँ पे आपने क्या करना है, सिर्फ उनके दिए हुए हैशटैग इंटर करना है और पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है, या ट्वीट के ऊपर। बस फेसबुक के ऊपर भी सेम तरीका करना है, फेसबुक के ऊपर आपने क्या करना है, फेसबुक के ऊपर आप जाएं अपनी प्रोफाइल, मैं अपने प्रोफाइल से आपको शेयर करवा देता हूँ। आपने यहाँ पे क्या करना होता है, वॉल के ऊपर शेयर करना होता है, ये देखें न्यू सेट में। लेट सपोज मेरे ये लोड हो जाए, ये सेम आपने उसके जो हैशटैग है वो उठाने हैं। अब आपने इसको पोस्ट कैसे करना है, फेसबुक का थोड़ा तरीका इतना डिफरेंट नहीं है, ये देखें मैं क्या करता हूँ, शेयर के ऊपर लाइक करना है, फिर शेयर के ऊपर क्लिक करके शेयर टू फीड करना है। जब फीड पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे आपने हैशटैग पेस्ट कर देने हैं और पोस्ट कर देना है, ठीक है। जब आप पोस्ट कर देते हैं फिर क्या होगा, आपने पोस्ट कर दिया, आपने अपने प्रोफाइल पे जाना है, जितने भी आपने पोस्ट किए हो, लेट सपोज मैंने ये डेट देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक कर लें, न्यू टैब में ओपन कर लें, फिर ये मैंने पोस्ट लिखी थी। एक होता है पोस्ट और एक होता है रीपोस्ट, वो या शेयर, वो एक ये हमारे पास शेयर था, ये लिंक आपने लेके और इसी तरह आपने रिपोर्ट में कॉपी कर देना है, ट्विटर मीडियम, ये इस तरह यहाँ पे आपने वो उसके आगे पोस्ट कर देना है, ठीक है। फिर ये फेसबुक का ये आपने लिंक लेना है, ये पोस्ट के आगे पोस्ट और ये शेयर के आगे शेयर कर देना है, ये प्रोसेस होता है फेसबुक का। इंस्टाग्राम पे आप आ जाएं तो ये इंस्टाग्राम की मेरी प्रोफाइल है MZ कलेक्शन के नाम से, 10K+ फॉलोअर्स से, तो ये आप और नीचे डाउन होते रहते हैं, ठीक है। ये मैंने पोस्ट की हुई है और रीपोस्ट की हुई है, इसका अपना तरीका कार होता है। तो सेम चीज़ होती है, पोस्ट तो इजी होते हैं, रीपोस्ट के लिए उनकी डिमांड के ऊपर डिपेंड होता है, वो आगे से डिमांड क्या करते हैं कि किस तरीके से रीपोस्ट करना है। तो ये है इसका प्रोसेस। आगे आ जाएं, सोशल मीडिया इम्पोर्टेंस, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि लाजमी इसके ऊपर आपने काम करना है, अपने फॉलोअर्स, अपने सब्सक्राइबर्स, यूट्यूब के ये चीज़ें ज़्यादा करनी है। आपको जो मैक्सिमम अर्निंग देंगे यही आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आपका अगर वहाँ से लेवल लो है, आपके यूट्यूब के सब्सक्राइबर कम है, व्यूज़ कम आते हैं, तो उससे आपको बड़ा लॉस होगा। इसके बाद आपके पास हाई टारगेटेड बाउंटी कैंपेन्स, हाई टारगेटेड बाउंटी कैंपेन्स में जो सबसे हाई लेवल की है वो बाउंटी डिटेक्टिव जो हमारे पास है उस मैनेजर की है, लेकिन इसका मसला ये है कि जैसी आती है इसकी लिमिटेड यूज़र सीट्स होती हैं, और आप अगर आपने उस लिमिटेड टाइम में अपना POA इंटर नहीं कर दिया, फॉर्म फिल नहीं किए और पूर्व ऑथेंटिकेशन की पोस्ट नहीं की, तो फिर क्या होगा, आप यहाँ से रह जाएंगी। इसकी यूज़र देखिए 1,98,000 से एबव इसकी यूज़र है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कितना हाई लेवल का कंपटीशन होगा, और इसमें अक्सर अक्सर जो कैंपेन्स आते हैं वो होती है प्योर USD में, मतलब आपको डायरेक्ट डॉलर ही मिलेंगे, कोई उसमें कॉइन्स वगैरह का चक्कर नहीं होता, क्योंकि कॉइन की प्राइस अप एंड डाउन होती है, जिस तरह मैंने आपको बताया। उसके बाद आप अलादीन में आ जाए, इसकी बहुत ज़्यादा कैंपेन्स आती हैं, फॉक्स कैंपेन्स की आती है, प्रो क्रिप्टो अनाउंस काफ़ी अरसे से डाउन है, ये बॉन्टी डिटेक्टिव के बाद सेकंड नंबर पे थी, लेकिन इनके पास अभी प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, और इन इनके कैंपेन से मैंने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से अर्निंग की थी, ठीक है। तो
ये चार तो आप मतलब इनको फॉलो करते रहें, टेलीग्राम पे ऐड कर ले अपने साथ, इनकी कैंपेन्स कंटिन्यूस वॉच करते रहें। आप आ जाएं आप हमारे पास, मैक्सिमम अर्निंग फ्रॉम बाउंटी। मैक्सिमम अर्निंग के लिए आपने क्या करना है कि हर प्लेटफॉर्म का, चाहे यूट्यूब है, चाहे आपका ट्विटर है, फेसबुक है, रेडिट है, इंस्टाग्राम है, तो इनके 10K+ आपने करने हैं, फॉलोअर, सब्सक्राइबर, लाइक्स जो भी है आपका। इसमें से सबसे मुश्किल आपका यूट्यूब और ट्विटर है। ये अगर आप किसी से सब्सक्राइबर रियल बाय भी करते हैं तो ये बहुत कॉस्टली है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, रेडिट, रेडिट के भी बहुत कॉस्टली बायर है, लेकिन रेडिट के कर्मा इंक्रीज करने के मुख्तलिफ प्रोसेस हैं और वो आसान है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और रेडिट अगर आपके 10-10K हैं तो इससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और बाकी आप ट्विटर के और इनके कम से कम 3-3, 4-4 हज़ार कर लें, यूट्यूब के सब्सक्राइबर, तो आप एक किस्म के अच्छे अवार्ड रिवार्ड को टारगेट करेंगे। तो ये थी एक बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन इसका था, क्रिप्टो से फ्री अर्न कैसे करेंगे। ये जो आपको आए दिन लोग इंटरनेट पे और आपके इलाके में और आसपास नज़र आते हैं, जो लूट रहे होते हैं लोगों को मुख्तलिफ कोर्सेज के नाम पे, और आपको हम ट्रेडिंग सिखाते हैं और नए यूज़र को उस रास्ते पे लेके आते हैं कि वो भी उस बेचारे का एतबार इस चीज़ से उड़ जाता है, उसको समझ ही नहीं आती है कि यार मैं लोग तो फलां बंदा तो इतना अर्न कर रहा है, वो इतना अर्न कर रहा है और मेरा तो सारा लॉस हो गया। तो भाई ट्रेडिंग वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिंग के लिए आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, आपको कैंडल्स का पता होना चाहिए, आपको मार्केट रीड करने का पता होना चाहिए। तो वो कोई हर किसी का काम नहीं है कि आप डायरेक्ट ही इन हो जाए ट्रेडिंग में। तो बेस्ट प्रोसेस ये है कि आप क्या करें कि इसके अंदर आप आएँ और आप पहले फ्री से स्टार्ट करें, कैंपेन्स के थ्रू आपको कुछ नॉलेज होगा, NFT का नॉलेज होगा, आपको क्रिप्टो की मुख्तलिफ किस्म की कैंपेन्स का नॉलेज होगा, किस तरह लोग काम करते हैं, आपको इसके वर्थ का पता चलेगा। उसके बाद आस्ते आस्ते आप कैंडल्स के बारे में जो मार्केट पैटर्न्स होते हैं उनको रीड करें, फिर जाएं ट्रेडिंग में और अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट करें, डायरेक्ट अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट ना करें। हाँ, अगर आप यहाँ से अर्न करते हैं उसके बाद कॉइन्स में डालें, इन्वेस्ट करें, फिर वेट करें, क्योंकि बगैर वेट के तो आपके पास फिर भी आपका जो डिजायर प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है आप सब लोग इंशाल्लाह इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और मेरे जो यूज़र अकाउंट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, फेसबुक का भी, ट्विटर का भी, इंस्टाग्राम का भी, तो इनको भी काइंडली फॉलो कर लें अगर आपका दिल करे और आप इससे कोई चीज़ आपको सीखने को मिली है इन वीडियो से। इस वीडियो से मैंने कोशिश की है कि सारा का सारा डेटा एक वीडियोस में डालूं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी। आपके जहन में अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो काइंडली कमेंट में लिख दे, जितने मैक्सिमम कमेंट एक टॉपिक के ऊपर होंगे तो उसके ऊपर मैं फिर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा टाइम निकाल के, लेकिन मैक्सिमम कमेंट अगर एक टॉपिक के ऊपर होंगे। अगर सेम इशू सारों को है तो उसके ऊपर वीडियो बनाना आसान होगी, अगर हर किसी का अपना अपना अलहदा अलहदा इशू है तो मैं वीडियो को अवॉइड करूँगा, कमेंट में ही जवाब लूँगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी और इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई नई चीज़ आपके लिए लेके आऊँगा अर्निंग से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।